नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं शराब के ऊपर बोल रहा हूँ, और जो भी शराब पीते हैं कृपया इस वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों, शराब पियो पर सुबह ये चीज़ ज़रूर पी लेना, क्योंकि शराब के एक दो बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हैं। कहाँ आप जो शराब से नुकसान पा लेते हैं, उस पॉइंट को मैं पकड़ रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आपको शराब से कोई नुकसान ना हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शराब पियो, लेकिन जो पीते ही हैं, जो पीने वाले हैं, उनके लिए एक बचाव का रास्ता मैं आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों, शराब के जो लोग पीते हैं, उनको हमने चार कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, चाहे वो एक पैग ही लेता हो, तो भी लोग उसे शराबियों की काउंटिंग में ही और श्रेणी में ही रखते हैं। दरअसल मैं शराब के जो मैंने कैटेगरी बताई, उसको हमने चार श्रेणियों में रखा है। जैसे पहला शराबी इस प्रकार का होता है कि वो एक पैग रोज लगाते हैं, कोई एक पैग शाम को रोज लगाता है। दूसरा पीने वाला इस प्रकार का होता है कि वो डेली क्वार्टर पीता ही है, चाहे थोड़ी बहुत उससे ऊपर हो जाए। तीसरी कैटेगरी के कभी कभार अगर कहीं फंक्शन हो, पार्टी हो, विवाह शादी हो, तो इस प्रकार का पीने वाला, ड्रिंक करने वाला आदमी या कोई लड़का, वो इतनी पीता है कि उसको घर छोड़ने के लिए तीन चार लोग फिर ले जाने के लिए चाहिए, क्योंकि उसको वहाँ पे मुफ्त की मिलेगी, वो अपने पैसे की कभी नहीं पीता, और वो अपनी पूरी तसल्ली करता है ताकि उसका महीने भर का कोटा या उसको महीना भर शराब पीने की जरूरत ना पड़े, इतना वो सेटिस्फाइड हो जाता है। अब असली शराबी कौन होता है? दोस्तों, असली शराबी वो होता है जो रात को भी खूब पी होती है, लेकिन सुबह पूरा बाजार बंद होता है, गांव के लोग उठे नहीं होते हैं, लेकिन वो सुबह उठ कर के सबसे पहले वो निकल जाता है सीधा ठेके के ऊपर। अभी ठेका भी बंद होता है, लेकिन वो ठेके के सामने बिल्कुल बैठ जाते हैं, और फिर वो वहाँ पर एक आधा पैग लगा के या थोड़ा बहुत एक आधा क्वार्टर लेके पियेंगे, तब वो अगला उनकी दिनचर्या जो वो स्टार्ट होती है, तो वो सुबह से उनका पीना शुरू हो जाता है। उसको असली शराबी बोलते हैं, और वो शराब के बिना नहीं रह सकते, कारण शराब उनको पीना लग पड़ती है। दोस्तों, अब मैं शराब का नुकसान बताता हूँ कि शराब कहाँ नुकसान करती है और कैसे नुकसान करती है। दोस्तों, जो रोज़ एक पैग शाम को लगाते हैं, उनको शराब से किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला, उनके लिए वो एज अ मेडिसिन है, एक दवाई की तरह काम करती है। लेकिन जो कभी कभार, जैसे मैंने बताया कि पार्टी में पीते हैं या खूब पी लेते हैं महीने दो महीने में, उनको नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन एकाएक अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो प्रॉब्लम फिर जानी उसमें धोखा भी हो सकता है। और इसमें जो डेली, जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह से पीते हैं, और या जो रात को पीते हैं, जैसे क्वार्टर वाले, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी विशेष बात कहने जा रहा हूँ कि वो शराब के नुकसान से कैसे बचें। पहला, अब नुकसान जो है वो कहाँ कहाँ करती है। जब भी कोई ड्रिंक करता है दोस्तों, तो हमारे लीवर के ऊपर, हमारे स्टमक के ऊपर और हमारी बड़ी आंत के ऊपर नुकसान करती है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जो ड्रिंक करने वाले हैं, उनके लीवर में प्रॉब्लम होती है, और दूसरा उनको सांस ट्रबल भी हो जाती है, उनको लंग्स का यानी कि फेफड़ों का टीबी भी हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो उनकी बड़ी आंत है, वो काफ़ी हद तक उस शराब ने डैमेज किया होता है, यानी कि वो शराब उसकी बड़ी आंत को काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचा चुकी होती है। और जिसकी बड़ी आंत ख़राब है या उसमें प्रॉब्लम है, तो समझ लीजिए कि उसके लंग्स भी कमज़ोर हैं। तो जब लंग्स आपके, फेफड़े जो हैं वो कमज़ोर हो गए, तो निश्चित तौर पर फिर आपके लीवर, किडनी, हार्ट, ये सारा फिर आपका सिस्टम जो है बिगड़ जाता है। तो जो रोज़ पीते हैं या सुबह से लेकर शाम तक पीते हैं, वो पहला तो नुस्खा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये शराब जो है वो वायु विकार की होती है, और इसके कारण
बाह्य के कारण वो किसी विशेष अंग को पकड़ लेती है, जैसे लीवर का फैटी होना, और जो बड़ी आंत है उसमें इलार्जमेंट कर देना, यानी कि वो बढ़ जाती है। अब जब लीवर इलार्जमेंट हो गया तो इस बाय को या बात को ख़त्म करने के लिए आप क्या करें, जैसे फेफड़ों में पानी आ जाता है या लीवर में बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है लीवर, तो उसके लिए आप हफ्ते में एक बार करना है, रोज़ नहीं इसको करना है। हफ्ते में क्या करना है, आपने चम्मच का तीसरा हिस्सा मेथी का और चम्मच का तीसरा हिस्सा ही अजवाइन का, तो जितना भी आपके इसको खाली पेट लेना है सुबह हफ्ते में एक बार, और इसके जरिए आपके अंदर जो फैटी लीवर है या कहीं आपकी स्वेलिंग हो गई है, तो उस जैसे पेंटो जैसे पेट की आंतें भी इससे स्वेलिंग में आ जाती है, यानी कि उनमें सोजिश हो जाती है, तो उस चीज़ को वो सारा ठीक कर देगी। अगर आप रोज़ खाएंगे तो फिर इसमें आपको क्या हुआ, शरीर में गर्मी भी हो जाती है, तो कम से कम हफ्ते में एक बार इसको यूज़ करें। अब एक और चीज़ जो महत्वपूर्ण है, जो जैसे आप अगर डेली शराब पीते हैं तो एक चीज़ आपको सुबह जरूर करनी होगी दोस्तों, ये चिकित्सा में आता है, ये मजाक नहीं है, आप इसको जरूर करके देखिए और करें, आप सुरक्षित रहें, ये शर्म वाली बात नहीं है। इसको कहते हैं सिम्बाबू चिकित्सा, यानी कि सौमूत्र के द्वारा चिकित्सा। बहुत सारे रोग जो हैं हमारे शरीर में, इतने रोग होते हैं लेकिन उनको खत्म करने के लिए सौमूत्र ही बहुत ज़्यादा कारगर चीज़ है। सौमूत्र का मतलब होता है अपना पेशाब। जो भी व्यक्ति ज़्यादा ड्रिंक करता है या रोज़ पीता है, वो अपने मूत्र का सुबह उठ करके पहले, सबसे पहले उसका पान करें। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि पीना कैसे है, कब पीना है, तो पहले जो 5-7 चम्मच जो हैं, जैसे आप पेशाब करते हैं सुबह, तो पेशाब जो है पहले 5-7 चम्मच निकलने दीजिए अप्रोक्सीमेटली। उसके बाद आपने जो बीच वाला पेशाब है वो लेना है, आखिर वाला भी लेना है, जैसे अगर लास्ट वाले 5-10 चम्मच जो हैं वो आपने नहीं लेने हैं। स्वमूत्र पान करने के लिए, अपना मूत्र पीने के लिए जो सबसे ज़्यादा कारगर चीज़ है वो बीच वाला मूत्र होता है। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे मेरे पेशेंट हैं, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, ऐसा नहीं कि मैं शराब के लिए बोल रहा हूँ, मैं दूसरी चीज़ों के लिए भी इसको रिकमेंड करता हूँ, चाहे वो हार्ट का पेशेंट हो, चाहे किडनी का हो, चाहे लीवर का हो, चाहे इंटेस्टाइन का हो, चाहे वो अस्थमा का हो, क्योंकि ये जो सौमूत्र चिकित्सा है दोस्तों, ये हमारी बड़ी आंत को स्ट्रॉन्ग कर देता है और उसकी वजह से हमारे जो फेफड़े हैं वो उसको क्लियर कर देता है, दूसरा हमारे फेफड़ों को साफ करता है। ये बहुत बड़ी चिकित्सा है। अगर कोई इस वीडियो को देखेगा या कहीं सौमूत्र चिकित्सा की आपको किताब मिल जाएगी, अगर आप उसको देखेंगे पढ़ेंगे तब आपकी समझ में आएगा कि ये कितनी कारगर चीज़ है। हालांकि आधुनिक विज्ञान जो है इसको नहीं इतना इम्पोर्टेंस देता, क्योंकि वो इसको यही कहते हैं कि इसमें बॉडी का वेस्ट है, लेकिन अभी तक ये क्लेरिफाई नहीं हो पाया इतना कि सौमूत्र जो है वो इतना कारगर क्यों है। साइंटिफिकली इतना इसको अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाया कोई भी कि ये इतना बेस्ट होने के बावजूद हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं है बल्कि फायदेमंद है। और शास्त्रों में जो सौमूत्र चिकित्सा है उसमें यहाँ तक कहा गया है कि भले ही पेशाब का रंग कैसा हो, कैसा भी हो, कड़वा कसैला जो भी हो, आपको चाहे कैंसर ही है तब भी आपको ये पी लेना चाहिए। अगर आप पियेंगे तो आप अपने शरीर से बड़ी बीमारी को आप ख़त्म कर सकते हैं, जड़ से हटा सकते हैं, और ये बहुत कारगर चिकित्सा है। मैं ये अपने जो लोग जिनको शराब की लत लग चुकी है, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं और आने वाले भविष्य के टाइम में उनको बड़ी से बड़ी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, उन लोगों की सेफ्टी के लिए वीडियो आपके लिए बनाया, और ताकि वो लोग सुरक्षित रहें। और इससे क्या होगा कि थोड़ा थोड़ा, एक जो सबसे प्लस पॉइंट है इसमें, आदमी पॉजिटिव हो जाता है, वो नेगेटिविटी उसके अंदर ख़त्म हो जाती है, और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो जो अधिक शराब पीते हैं पियेंगे लेकिन उनको समझ आ जाएगी, या बहुत कम पियेंगे एज अ मेडिसिन, अदरवाइज वो हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं शराब छोड़ दें।
अगर ना भी छोड़े तो बहुत कम पियेंगे। तो दोस्तों मैं सभी माता बहनों भाइयों से या जो भी इस वीडियो को देखे, आप इसे कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आपका हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।